यहाँ पर कितना भीड़ लगा है, लगातार लोग जो है BSNL में अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। सर जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे, प्लान दुगना बढ़ा दिया है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भैया पोर्ट कराना है, सिम पोर्ट करा रहे हैं। क्या जी, करा रहे जी हैं? सिम पोर्ट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सिम पोर्ट करा रहे हैं। सब लोग पहले कौन सा सिम था? जियो का था। पहले आपके पास एयरटेल जियो सब था। बात ऐसा है कि अंबानी के परिवार में यहाँ शादी है। अंबानी के परिवार में लगभग जानते हैं 500 करोड़ रुपया खर्च है। देश की जनता वो जो खर्च उठा रही है वो अंबानी को खर्च नहीं उठा रहे हैं। पहले के तुलना में अब BSNL की सिम की कितनी बिक्री हो रही है, और ज्यादातर लोग क्या पहले पोर्ट करा रहे थे कि अभी करा रहे हैं? देश के प्राइवेट कंपनियां एयरटेल जियो और वोडाफोन ने जब से अपने रिचार्ज प्लान में 20-25% की बढ़ोतरी की है, इसके बाद लोग BSNL में लगातार अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। और अभी हम पटना BSNL ऑफिस के सामने खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जो है BSNL में अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। बाकी खुद इन्हीं लोगों से बात करेंगे। आप किस लिए BSNL ऑफिस के पास आए हैं? सर जियो का रिचार्ज करके हम लोग जी नहीं पाएंगे, प्लान दुगना बढ़ा दिया है। पहले का जो प्लान था और अभी का प्लान है उसमें कोई अंतर ही नहीं बुझा रहा, जैसे कि वो बढ़ाया जा रहा है दिन पे दिन। मतलब दिन पर दिन, पहले तो जियो आया तो आप लोगों को फ्री में मिल रहा था, उसके बाद कभी उम्मीद था कि इतना रिचार्ज बढ़ जाए? कभी नहीं सर। वो कहावत है ना कि शेर के दांत में खून का टेस्ट लगा दो, उसके बाद वो बस वही वाला बात है। बात ऐसा है कि अंबानी के परिवार में यहाँ शादी है। अंबानी के परिवार में लगभग जानते हैं 500 करोड़ रुपया खर्च है, और वो दहेज में जो खर्च हो रही है वो जो भारत की जनता जो उनका पैसा दे रही है। मतलब अब ना अंबानी के बेटे में जो शादी का खर्च है वो मतलब रिचार्ज बढ़ा के, हाँ देश की जनता वो जो खर्च उठा रही है वो अंबानी को खर्च नहीं उठा रहे हैं। और ये जो है अंबानी जो है अपने बेटे के शादी में इतने खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये वोडाफोन वाले अरे एयरटेल वाले किस मातम में खोए हुए हैं कि देश के जनता को लूट रहे हैं। ये मतलब देश के जनता को लूटने का प्रयास किया जा रहा है, और ये डायरेक्ट देश के जनता पर बहुत बड़ा एक दबाव डालने का काम किया है अंबानी ने, एयरटेल वाले या वोडाफोन ने। ये तीनों एक प्लान किए, चलो पहले इन लोगों को आदत डलाओ। अभी किसी को क्या लत लगाना है तो पहले उसको थोड़ा सा मुंह में दाना दीजिए, उसके बाद देखिए। सबसे पहले जब जियो आया तो फ्री में लोगों को कहीं ना कहीं बात करने के लिए मिल रहा था, और इसके साथ साथ उनको काफ़ी नेट इंटरनेट भी मिल रहा था, और इसके बाद लोगों को लत लग गया कि वो जियो को इस्तेमाल करे। बाद में धीरे धीरे रिचार्ज प्लान को बढ़ा दिया गया। जी सर, पहले BSNL जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया था, लेकिन इसके बाद जो है एक बार फिर से BSNL की वापसी हो रही है। हाँ सर, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि BSNL के नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है, सही से नेट नहीं चल पाता है, कई जगहों पर 4G नेट भी नहीं चलता। तो सर अभी BSNL ने बहुत सारा अपडेट किया है ना अपने कंपनी में, अभी आप देख रहे हैं यहाँ 5G सिम मिल रही है। 5G सिम मिल रही है ना भैया? 5G सिम मिल रही है क्या जी? 5G सिम मिल रही है सर, अवेलेबल है हमारे पास। ये 5G नेट चलना कब से स्टार्ट होगा BSNL? अभी तो सर 4G चल रही है सर। अभी 4G चल रही है, लेकिन 4G में कहा जाता है कि हर राज्य में अभी नहीं उपलब्ध है। कुछ राज्यों में अवेलेबल है सर अभी भी। BSNL का जो प्लान है रिचार्ज, उसमें क्या कुछ अपडेट है? अभी वही पहले वाला रिचार्ज है सर, पहले वाला रिचार्ज, उसमें कोई अभी चेंजेस नहीं हुए हैं। जितना पहले पैसा लिया जाता था अभी उतना ही। पहले के तुलना में अब BSNL की सिम की कितनी बिक्री हो रही है, और ज्यादातर लोग क्या पहले पोर्ट करा रहे थे कि अभी करा रहे हैं? पहले से सर बहुत बढ़िया पोर्ट हो रहा है सर। एक दिन में कितना लोग सिम पोर्ट करा रहे हैं लगभग? हम तो सर मिनिमम 20 कर रहे हैं सर। 20 मिनिमम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सिम कितना बिक जाता है एक दिन? सिम में वो भी बिक जाता है सर। देखिए, अगर एक महीने के रिचार्ज के बारे में बात करें तो अगर आप जियो या फिर एयरटेल में एक महीना का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 299 रुपया लगेगा। इसमें आपको 1.5 GB डाटा एक दिन में मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप BSNL का एक महीने का रिचार्ज कराते हैं तो 199 में आपको डेली 2 GB डाटा मिलेगा ना, तो ये अंतर काफ़ी ज़्यादा है, 100 रुपये का अंतर है। बहुत ज़्यादा अंतर है सर। इनका एक 397 का प्लान है जिसमें 150 दिन, मतलब आपका 6 महीने का रिचार्ज मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कितना भीड़ लगा है, लगातार लोग जो है BSNL में अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। किस लिए आए हैं आप? पोर्ट करवाने के लिए। सिम पोर्ट करवा रहे हैं। पहले कौन सा सिम था? पहले जियो का सिम था। पहले जियो का था, लेकिन अब जियो के सिम को जो है BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। जी जी। किस लिए? रेट बढ़ गया इसलिए। अच्छा, रेट बढ़ गया इसलिए पोर्ट करा रहे हैं। जी जी। आप लोग क्या कर रहे हैं?
हम लोग भैया पोर्ट कराना है, सिम पोर्ट करा रहे हैं। क्या जी, करा जी, रहे हैं? सिम पोर्ट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? सिम पोर्ट करा रहे हैं। सब लोग पहले कौन सा सिम था? जियो का था पहले आपके पास? एयरटेल जियो सब था। मतलब एयरटेल पहले जियो का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब सारे लोग अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं ताकि रिचार्ज प्लान जो है वो बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो BSNL से क्या लगता है कि जो सुविधा एयरटेल जियो दे रहा था वो मिलेगा? 4G से 5G में चला गया BSNL अभी। और कहना यह था कि अभी हम लोग को उम्मीद है, अभी रतन टाटा इसको ले लिए हैं अभी। आपको मालूम है कि नहीं BSNL को? मालूम है ना। तो अब हम लोग को उम्मीद है रतन टाटा जी कुछ बहुत बेहतर करेंगे हम लोग के लिए। उम्मीद है रतन टाटा जी से कि वो आए हैं तो इसमें भी जो है कुछ सुविधा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप बाकी देखिए, यहाँ पर BSNL ऑफिस के सामने खड़े हैं, जहाँ पर लगातार लोग जो है अपने सिम को, पहले जो लोग एयरटेल और जियो का इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो लोग BSNL में सिम को पोर्ट करा रहे हैं। आप भी पोर्ट कराने के लिए आए हैं? नहीं, हम साथ में आए भैया पोर्टने का। देखिए, जिस तरह से मेरा BSNL जो है ये देश का धरोहर है, आप फिर से हम लोग स्वदेशी हो गए हैं। जिस तरह से हम लोग अंबानी का सिम यूज कर रहे थे, फिर से हम अपना सिम यूज करने लगे हैं। आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, देश की जो जनता है जियो अभी एयरटेल का जो सिम है उसको बायकॉट कर रहे हैं। बायकॉट? जी हाँ, बायकॉट कर रहे हैं। और अब फिर से हम अपना धरोहर BSNL जो है देश का धरोहर, ये सरकारी जो है, ये जो है कभी भी अपना रेट बढ़ाएगी तो जनता से पहले पूछेगी, ना कि अंबानी की तरह डायरेक्ट अपना 25% 30% बढ़ा देगी। आप जाके देख रहे हो, जो हम रिचार्ज 180 रुपये का कराते थे वो हमको 150 रुपये में कराना पड़ रहा है। ये बहुत नाइंसाफी है। पत्रकार महोदय से अनुरोध है कि सारे लोग मिलकर इस पे आवाज उठाए, ताकि अंबानी को भी ये मैसेज जाए और देश की जनता। लोग अंबानी को टैक्स दे रहे हैं ना? हम लोग अंबानी को टैक्स दे रहे हैं और सारा चीज दे रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह से शोषण, डायरेक्ट शोषण हो रहा है ना देश की जनता को। आप क्या करने आए भैया? सर, सिम पोर्ट कराने। सिम पहले कौन सा सिम रखे? जियो का सिम है सर। जियो का सिम क्यों पोर्ट करा रहे हैं? क्योंकि महंगा ज्यादा हो गया है ना। जो 239 का था, अब सीधे 300 रुपये हो गया। अब सब लोग जो है जियो एयरटेल पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। यस। तो क्या लगता है कि BSNL की एक बार फिर से जोरदार तरीके से हम लोग साथ देंगे तो होगा ही? आप लोग साथ देंगे? चलिए, एक बार चाहेंगे कि लोकेशन दिखा दीजिए। ये पटना का BSNL का ऑफिस है और सामने यहाँ पर दुकान को लगाया गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग पहले जियो एयरटेल और वोडाफोन यानी कि आइडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो लोग सिम को BSNL में पोर्ट करा रहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।